आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। 2021 साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून गुरुवार को पड़ रहा है और ये विशेष ज्येष्ठ मास के अंदर पड़ रहा है। तो इस दिन कौन सी तिथि पड़ने वाली है, विशेषता किस राशि पर इसका प्रभाव रहने वाला है, इसके टाइमिंग्स क्या होने वाले हैं, भारत में इसका प्रभाव कैसा देखा जाएगा, रूप कैसा देखा जाएगा, अन्य कौन कौन से देश हैं जहाँ पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है और सूतकाल मान्य होगा या नहीं होगा, और विशेष दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इस दिन आ रही हैं, तो वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है ये आने इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत ज़रूरी है आपको सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप तक जो भी मैं वीडियो शेयर करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य ग्रहण से रिलेटेड डिटेल की। सूर्य ग्रहण के अंदर मैंने आपको बताया कि 10 जून ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि के दिन ये पड़ रहा है। हमेशा सूर्य ग्रहण जो है मावस के दिन पड़ता है और ठीक 15 दिन पहले जैसे चंद्र ग्रहण पड़ा था वो पूर्णमासी के दिन पड़ा था, और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णमासी के दिन पड़ता है। जब पावर होती है मून के अंदर तब ग्रहण लगाने के लिए राहु केतु आते हैं, और जब सूर्य के अंदर पावर होती है तब ग्रहण लगाने के लिए राहु केतु आते हैं। तो ये दो विशेष दिन है जिस दिन सूर्य भी पावरफुल होता है और चंद्र भी पावरफुल होता है। तो इन दिनों के अंदर ही ऐसा श्राप मिला हुआ है इन लोगों को कि इन दोनों दिन मावस और पूर्णमासी के दिन ही इन लोगों को ग्रहण लगते हैं। तो ये ग्रहण जो है बेसिकली भारत के अंदर आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव जो है पूरे सभी शहरों के अंदर नहीं होगा, विशेष नॉर्थ ईस्ट में ही देखा जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। तो वहीं पर ही ग्रहण को मान्य रखा जाएगा, वहीं पर ही सूतक को ध्यान रखा जाएगा, और बाकी जो देश है ग्रीनलैंड है, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न एशिया, कनाडा, रशिया, ये सारे देश जो हैं ये इसके अंदर प्रभावित हो रहे हैं। इसके टाइमिंग्स क्या है, ये दोपहर से स्टार्ट होगा, 1:41 से स्टार्ट होगा और 6:42 शाम तक इसका प्रभाव रहेगा। तो ये जो टाइमिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है सभी मंत्रों का जाप करने के लिए। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप जितना रिसाइट करेंगे उतनी पावर आपके मंत्र के अंदर आएगी, उतनी ही शक्ति आपके मंत्र के अंदर आएगी। तो रिसाइट बहुत अच्छा होगा। पहले भी मैंने चंद्र ग्रहण के टाइम पे आपको एक मंत्र बताया था, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये शक्ति का मंत्र है। और मैं ये मंत्र क्यों बता रही हूँ, ज्येष्ठ मास के अंदर है, साथ ही साथ जो ये नक्षत्र जो ग्रहण पड़ रहा है ये मृक्षरा नक्षत्र में पड़ रहा है, मंगल के नक्षत्र में पड़ रहा है, और मंगल भी इस टाइम पे नीच का हो रहा है, और हमारा राजा भी इस साल का राजा भी और मंत्र भी दोनों मंगल है। तो मंगल को जितना पावर आप देना स्टार्ट कर देंगे उतना मांगलिक कार्यों से रिलेटेड आपके इश्यूज में बहुत हेल्प मिलने लग जाएगी, बहुत लाभ मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि जितना शक्ति की आराधना करेंगे मंत्र उसके मंगल जो है उसके अधीन है, तो आप जितना आप शक्ति की आराधना करते रहेंगे, जितना सती की आराधना करते रहेंगे, जितना गौरी की आराधना करते रहेंगे, मंत्र उनका रिसाइट करते रहेंगे, उतना आपके मंगल को पावर मिलती जाएगी और शुभ कार्यों में आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो अड़चने मंगल की वजह से आ रखी हैं, जो दिक्कतें परेशानियाँ मंगल की वजह से आ रखी है, डिजीज मंगल की वजह से आ रखी है, वो इस रिसाइट से बहुत आराम देना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दिया और डेट मैंने आपको बता दी, आपको मैंने कहाँ कहाँ ये पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सूतक काल इसमें मान्य नहीं होगा, तो सभी क्योंकि आंशिक है इसलिए सूतक काल नहीं देखा जाएगा, तो इसको फॉलो मत कीजिएगा। सूतक काल और ग्रहण सारी चीज़ें ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मान्य रखी जाएगी। तो ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ जो मैंने इम्पॉर्टेंट बताई आपको कि इसके अंदर कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी आ रही हैं, एक वट सावित्री व्रत और एक आपका शनि जयंती, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
भारत के लिए और महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है अपने सुहाग को इंक्रीज करने के लिए, उनकी आयु बढ़ाने के लिए। तो ये व्रत जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो इन टाइमिंग पे आप इसको मत कीजिएगा, इसके व्रत पूजा को मत कीजिएगा। ये जो टाइमिंग है 1:41 से लेकर 6:42 को अवॉइड करके इससे पहले ही भी, यानी कि आप लेके चले कि 12 बजे से पहले वट सावित्री व्रत को पूजा को आप कर दीजिए। और जो बेसिकली क्या होता है, ग्रहण के अंदर ना भगवान जी को, ईश्वर जी को टच नहीं करते, तो उससे पहले जो टाइमिंग आ रही है उससे पहले ही आप पूजा पाठ आराधना ये सब कर लेंगे तो आपका व्रत भी अच्छे से हो जाएगा, पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। व्रत आप इजीली आप कर सकते हैं क्योंकि ग्रहण टाइम पे खान पीन तो इतना ज़्यादा करते भी नहीं है, तो व्रत को भी आप रख सकते हैं और साथ ही साथ पूजा भी 12 बजे से पहले कर सकते हैं। शनि जयंती के अंदर दान बहुत अच्छा माना जाता है, जितना भी नीचे तबके का, मजदूरों से रिलेटेड, इन सब जगहों पे आप दान करेंगे तो शनि से रिलेटेड चीज़ है, शनि भी हमारा इन दिनों में वक्री है, वक्री हो चुका है, तो शनि से रिलेटेड जितना दान करेंगे तो शनि से रिलेटेड आपको बहुत लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान करिए, तो समझ लीजिए कि आपका शनि जो है वो खराब है, आपको उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन आप अगर दान करते हैं शनि से रिलेटेड और विशेष गुड़ का और खाने का, जितना गरीबों को खाना खिलाना, भोजन खिलाना, गुड़ दान करना, ये विशेष जो है बहुत ही इस काल के अंदर आपको लाभ दे देंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं, मंत्र दान पुण्य और गुड़ का दान और भोजन का दान, ये आपके लिए बहुत ही सिद्धकारी होने वाला है अगर आप इस ग्रहण के टाइम पे, इस ग्रहण के डेट पे कर लेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी ओवरऑल कि कहाँ कहाँ पढ़ने वाला है, किस जगहों पे पढ़ने वाला है, भारत में इसका प्रभाव आंशिक रूप से कैसा देखा जा रहा है, ये सारी जानकारी आज मैंने सूर्य ग्रहण से रिलेटेड आपको दे दी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, मंत्र रिसाइट ज़रूर कीजिएगा, मैं फिर दोबारा आपको बोल रही हूँ, बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है, जितना रिसाइट करते रहेंगे उतनी पावर आपके इस मंत्र के अंदर आ जाएगी और उतनी शक्ति आपका सपोर्ट करने के लिए बैठी रहेगी। तो ये थी मेरी आज की पूरी पेशकश, और साथ ही साथ तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।